सिनेमाघरों में हर हफ्ते कोई न कोई फिल्म जरूर दस्तक देती है। इस हफ्ते थिएटर में मशहूर सिंगर गुरु रंधावा और एक्ट्रेस सई मांजरेकर की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए रिलीज हुई थी। फिल्म के ट्रेलर से माना जा रहा था कि शायद गुरु रंधावा की ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ जाएगी और बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई तो कर ही लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। गुरु रंधावा और सई मांजरेकर की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए कल यानी 16 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। क्रिटिक्स और दर्शकों से फिल्म को मिलाजुला रिस्पांस मिला। फिल्म ने पहले दिन चंद लाखों से ओपनिंग की। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खट्टा हो जाए ने पहले दिन सिर्फ 25 लाख रुपए का कारोबार किया। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, सही नंबर्स इससे ज्यादा या फिर कम भी हो सकते हैं। फिल्म की कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। फिल्म कुछ खट्टा हो जाए में सई मांजरेकर ने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई है जो आईएएस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। हालांकि उनकी शादी गुरु रंधावा से करा दी जाती है। रोमांस, इमोशन और झूठ के साथ कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। फिल्म में सई और गुरु के अलावा अनुपम खेर और ईला अरुण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भले ही शुक्रवार को गुरु और सई का जादू ना चल पाया हो, लेकिन वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल आने की उम्मीद की जा सकती है।